रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। अब देखो यस तो बेटा बात कर रहे थे सबसे कम एनर्जी लेवल हमेशा सभी बच्चे ध्यान रखे, मैं बार बार बता रहा हूँ। न्यूक्लियस के पास जो शेल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसको याद करने का तरीका यही है ठीक है कि वैलेंस शेल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको बेटा कोर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कभी आ सकता है कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज उनके पास एनर्जी क्या होगी, बताया था एनर्जी जिसके पास ज्यादा है ना, एनर्जी जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है तरुण ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल एनर्जी बेटा जो होगा हाईली रिएक्टिव हो गया, जिनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर के, अंदर वाले शेल्स के शेल के एल शेल के, इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। तो कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते ठीक है उनको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चलो कोई नहीं, वो तो अभी चैप्टर में तो नहीं है, अलग से आपको बताया जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आ सकता है कभी तो अपने को पता होना चाहिए। चलो अब बेटा बात कर रहे थे कल एनर्जी हाँ एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रेडिएट करता है, एमिट कब करता है, कब एमिट करेगा बेटा, जब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए है कि नहीं, एनर्जी होगी तभी तो रेडिएट करेगा, यानी वो मतलब बेटा क्या होना चाहिए, एक हायर एनर्जी लेवल पर होगा। देखो ये मैं हायर बोलूंगा, इसको हाईएस्ट से कोई मतलब नहीं अपना, के शेल नहीं होना चाहिए, अगर के शेल होगा तो फिर के में थोड़ी के से फिर कहां जाएगा, के में तो मिनिमम एनर्जी है ना, के अलावा बेटा कोई सा भी हायर ऑर्बिट हो सकता है, तो अगर हायर से लोअर में आएगा, ये देखो जैसे कि एम शेल से बेटा के शेल में आया तो क्या करेगा बेटा, अपने अंदर से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं, है ना। एनर्जी का बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, बोलो एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है, परीक्षित बोलो बेटा। फर्स्ट केस में अगर डायग्राम में देखें तो एनर्जी बेटा क्या हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, एक हायर ऑर्बिट से आ रहा है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी क्या बताई थी आपको, ज्यादा एनर्जी लेवल एम शेल ओ शेल इस तरीके से, वहां से इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर आ रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, कम वाले जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां चली गई, वो रेडिएट कर देगा। एचन्यू का मतलब क्या है, एचन्यू का मतलब रेडिएट हो गई एनर्जी, देखो बाहर निकल रही है इलेक्ट्रॉन से बाहर, डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। ऊपर बाहर वाले शेल में, तो के शेल से बेटा इस वाले शेल में चला गया एम शेल में ठीक है, एम शेल के अंदर चला गया, तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसके इसको क्या देना पड़ेगा आपको, इसको लोअर एनर्जी से हायर में भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है, एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी बेटा इसको देनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो बेटा कौन से ऑर्बिट से जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा। ये बात सबको समझ में आई, है ना, सिंपल है। अच्छा इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे ऑप्शन देता है, देखो एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, अपने कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम सीमेंट की तरह पक्का कर लो ठीक है, अंबुजा सीमेंट की तरह ठीक है। और इसमें आपको कैसे बोलेगा बेटा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जो ग्राउंड स्टेट हम किसको बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, तो
इनिशियली बेटा इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में होता है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बेटा इनिशियली जिस स्टेट में होता है, एन आई हम बोलेंगे इनिशियली, जैसे अभी क्वेश्चन के अंदर बोलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, मान लो के शेल में है, कोई सा भी हो सकता है, हायर लोअर से मतलब नहीं है, सुनना मेरी बात, कौन सा बेटा शेल है, इनिशियली शुरुआत में किस शेल में दे रखा है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलेंगे बेटा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अगर मान लो अगर हम इस वाले केस की बात करें तो अपना इनिशियली कौन सा हो गया, हायर ऑर्बिट, तो ये ग्राउंड स्टेट इसका ये हो जाएगा हायर वाला, ठीक है। और जो फाइनल होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जा रहा है, जैसे अगर मान लो इसकी अगर बात करें तो लोअर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर बेटा, ग्राउंड स्टेट ये हो गया, ग्राउंड स्टेट ये वाला है, इनिशियली शुरुआत में इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में था, मान लो के शेल में था, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ गया, किसी हायर ऑर्बिट में चला गया, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट समझ लो, समझ गए, ग्राउंड स्टेट का मतलब है बेटा इनिशियली जिसमें है, ठीक है, और ठीक है, और हायर एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट का मतलब वो बेटा मिनिमम एनर्जी, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, मिनिमम हो, तो मतलब कि जैसे मान लो जहां पर एनर्जी कम हो, लोअर एनर्जी को हम बोलते हैं एक तरीके से ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो के शेल को बोलेंगे, जैसे अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन एम में जा रहा है तो हम बेटा ग्राउंड स्टेट को उसको बोलेंगे जिसकी एनर्जी कम है, ठीक है, दीक्षा आया बेटा समझ में, लोएस्ट एनर्जी जिसकी है, जो कंपैरेटिवली कम एनर्जी जिसको है उसको बोलेंगे वो ग्राउंड स्टेट हो गया, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, और मैक्सिमम बेटा जितनी होगी उसको बोलेंगे ये एक्साइटेड स्टेट है, और वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कौन से स्टेट से कौन से में जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों साइड मूव कर सकता है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है मयूरी, ग्राउंड से बेटा एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और एक्साइटेड से फिर वापस भी आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा किसी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, हाँ, अरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जेईई की नीट की, अरे स्टेबल होने के लिए, नहीं होना चाहते स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन भी तो स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कब होगा, कब होगा मयूरी, एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल कब होगा, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी या मिनिमम होगी, क्या होना चाहिए सोच के बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करे, बताओ, अगर बीच में उसको एनर्जी मिल रही थी बेटा, एब्जॉर्ब उसने कर लिया तो गुनाह थोड़ी कर दिया, बोलो, अल्टीमेटली तो बेटा सबको क्या जाना है, कहते हैं ना कहां से आए कहां को जाएंगे, हैं, तो अल्टीमेटली तो बेटा स्टेबिलिटी चाहिए सबको, सब बिना किसी टेंशन के बैठना चाहते हैं, आराम से ऐसी जगह स्टेबल होना चाहते हैं एक तरीके से, वो कब हो पाएगा बेटा, वो कभी हो पाएगा, हाँ, तो जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी बहुत कम हो, एनर्जी रहेगी तो बेटा लगे रहोगे, पढ़ाई करोगे, फिर आगे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में फिर वहां जाके फिर मेहनत करनी है, फिर उसके बाद सिलेक्ट हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, फिर वहां पर जॉब करनी है ना, पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाती है। स्टेबल कब होते हैं, हाँ, स्टेबिलिटी कब आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन की, जब मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है, यस सर, दानिश आया समझ में, स्टेबिलिटी आगे अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शंस में बेटा आपको कंफ्यूज करेगा, हायर लोअर लोअर हायर कैसे भी करके ऑप्शंस दे देगा, तो दिमाग में कंसेप्ट बना लो कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है ना परीक्षित, जितनी कम एनर्जी है बेटा उतनी स्टेबिलिटी है, और इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अल्टीमेटली बेटा वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, आखिर में वो क्या चाहता है, स्टेबल होना, ठीक है। तो कभी बेटा क्या होगा, जैसे ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे मान लो अगर किसी एटम के ऊपर या किसी हाइड्रोजन एटम, कोई भी एटम ले लो,
कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम ले लो, तो बेटा अगर कोई रेडिएशन उस पर आया तो पहले बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एटम के अंदर, बोलो बेटा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, कर लेगा ना। अरे रिप्लाई तो करो कुणाल। yes, अरे बेटा मेरी बात सुन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप लोगे ना लाइफ में? कैसे मतलब कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के, मोह माया छोड़ के सब खत्म कर दोगे? अभी तो नहीं करोगे ना, वो तो लास्ट स्टेज होती है लाइफ की, है कि नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी मिल रही है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा बिना शर्माए, ठीक है? और लेकिन उस एनर्जी को उस वक्त तो बेटा एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर क्या चला जाएगा, एक हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, है ना? लोअर एनर्जी शेल में से एक हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट से चला जाएगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? एक बार रिप्लाई कर दो। पूजा आई बेटा समझ में? चलो गुड, ठीक है। अब ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी शेल में हमेशा नहीं रहता। जैसे मान लो एक्साइटेड हो गया तो आप सोच रहे होगे सर अब तो ये यहीं रहेगा, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन फिर बेटा वापस फिर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको स्टेबल होना है। तो एक्चुअल में ऐसे समझ के चलो ये बेटा बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड होते हैं ना बहुत ही जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उतनी ही जल्दी बेटा क्या करते हैं, वापस स्टेबल हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल शेल में। समझ गए बच्चे मेरी बात? वापस कब आएंगे, एक हायर शेल से कब आएंगे वापस लोअर में, एनर्जी को रेडिएट करते हुए, है कि नहीं? यस सर। तो अभी स्पेक्ट्रम से समझने की कोशिश करना। पहले बेटा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो अभी देखो लाइन स्पेक्ट्रम इसीलिए तो आते हैं, किसी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम आपको कब मिलता है, जब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को बेटा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और फिर रेडिएट करता है वापस उसके अकॉर्डिंग। तो तब अपने को क्या मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। चलो तो ये सबको समझ में आया कि एनर्जी कैसे जाती है, कैसे हायर से लोअर, लोअर से हायर, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप स्टेबिलिटी से समझ लो, एक तरफ का याद रख लो, अगर कंफ्यूजन होती है तो एक तरफ का याद कर लो कि लोअर से हायर तब जाएगी जब बेटा उसको एनर्जी आप दोगे, ठीक है? क्योंकि लोअर में तो स्टेबल है वो, कोई स्टेबल आदमी को हिलाना चाहते हैं तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसको कोई लालच देना पड़ेगा तभी वो जाएगा हायर, ठीक है? और फिर वहां से बेटा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है? फिर रास्ता भटक गया था, फिर वापस आ गया स्टेबल होने के लिए, ठीक है? इसकी बात में एक चीज आपको बताई थी, यहां पर डेल्टा ई निकाला। डेल्टा ई हम कैसे निकालते हैं, एनर्जी चेंज, है ना? क्योंकि हमें पता है कि बेटा हर एक एनर्जी की हर एक शेल की एनर्जी बेटा अपनी क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है, सबको पता है पूजा, हर एक शेल की बेटा एनर्जी डेफिनेट है। इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में हो, अगर के शेल के अंदर है तो भी एनर्जी डेफिनेट है, एल एम एन जितने भी शेल्स हो, ठीक है? तो अब बेटा समझो, अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, अभी हायर से जा रहा है कि लोअर से जा रहा है उसको मत याद करो, बस ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन बेटा या तो एक बड़े शेल से दूसरे में जा रहा है या कोई भी शेल हो सकता है, हायर से लोअर, लोअर से हायर, ऐसे में बेटा कुछ एनर्जी चेंज होगा उसके अंदर, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज मिलेगा आपको, दोनों शेल्स की एनर्जी को डिफरेंस करोगे, बोलो? उसी को बोलते हैं डेल्टा ई, उसी को बोलते हैं बेटा डेल्टा ई। कैसे लिखेंगे डेल्टा ई, देखना, ईएफ माइनस ईआई। अब ये ईएफ क्या था बेटा, ईएफ का मतलब एफ फॉर फाइनल, यानी इलेक्ट्रॉन बेटा फाइनली किस शेल में गया, इलेक्ट्रॉन फाइनली बेटा किस शेल के अंदर गया, उसकी एनर्जी हम क्या बोलेंगे, दैट इज ईएफ, ठीक है? रिप्लाई करवाया सर पे, ईएफ का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फाइनली लास्ट में जहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? और ईआई का मतलब बेटा इनिशियली, शुरुआत में कितनी एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन ने शुरुआत में, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस शेल के अंदर था पहले, मान लो कि शेल के अंदर था, तो आप ईआई क्या बोलोगे, कितनी हो जाएगी ईआई, एनआई मतलब नंबर ऑफ शेल क्या हो गया, वन हो गया,
अब वन शेल से बेटा किसी हायर में चला गया तो आप बोलोगे वो फाइनल हो गया, ठीक है एनएफ। इसी तरीके से अगर बेटा हम एनर्जी डिफरेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए कल आपको बताया था रिडक्स कांस्टेंट। रिडक्स कांस्टेंट बेटा क्या था, आरएच 21.8 इसमें से बेटा हाँ इसमें एन स्क्वायर को हटा दो, बाकी सारा क्या है बेटा कॉन्स्टेंट होता है। ये देखो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर दिख रहा है सबको 2π² ME4 upon h square, सबको दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट है काफी, इसको क्या बोलते हैं रिडक्स कांस्टेंट है बेटा ये, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हमने नाम दिया रिडक्स कांस्टेंट RH, जिसके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 21.8 × 10⁻¹⁹ वैल्यू आएगा। ठीक है बेटा रिप्लाई करो जल्दी। यस सर। आगे ठीक है, तो अगर बेटा इस फॉर्मूले को अगर हम शॉर्ट करके लिखें तो ऐसे करके लिख सकते हैं ये इक्वल टू माइनस आरएच अपॉन एन स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल है ना वही चीज है। वो एनर्जी वाला फॉर्मूला देखो -21.8 × 10⁻¹⁹ यही फॉर्मूला था ना बोर्स फॉर्मूला एनर्जी का जूल में पहला वाला, वही है ये। ठीक है बेटा, किसने माइक ऑन कर रखा है, रिपीट हो रही है। चलो दानिश आया बेटा समझ में, दीक्षा आगे मेरे पास। यस सर। तो अब बेटा देखो ईएफ इक्वल टू ये है, तो हम ईएफ कैसे लिख सकते हैं, ईएफ को कैसे लिख सकते हैं इसके टर्म्स में, लिखना नहीं मैंने कहा ईएफ इक्वल टू माइनस आरएच अपॉन एनएफ स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, है ना, कौन से ऑर्बिट में है वो ही अपना एनएफ हो जाएगा नंबर ऑफ शेल। ऐसे ही ई आई कैसे लिख सकते हैं माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, लिख सकते हैं बोलो इस फॉर्म से। ये फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो इसमें बेटा मैंने अगर फाइनल शेल निकाली है तो ई एच इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा और ई आई निकाली है ऐसे निकालनी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कैसे करोगे डेल्टा ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से सेकंड वाले को माइनस कर दो, लक्ष्य ठीक है आ रहा है बेटा समझ में। यस सर। यस सर। किसने पूछा था उसको आ गया, आई थिंक दीक्षा किसने पूछा था बेटा, हाँ साक्षी बेटा आया समझ में यहां तक, ठीक है yes, अब देखो क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दिख रहा है सबको कांस्टेंट तो सेम ही है, सबने आरएच बाहर ले लिया मैंने है कि नहीं बेटा, आरएच बाहर आ गया अंदर क्या आएगा आगे एन आई स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस करोगे इसको, अगर माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस हो जाएगा ना, आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, आर एच कॉमन हो गया वन अपॉन एन आई स्क्वायर, सोच के बताओ बोलो किसको नहीं समझ में आया ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया, इसमें से बेटा ये माइनस करेंगे तो ये माइनस है ये तो आगे की तरफ है लेकिन इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो ये आगे लिख देंगे 1/nx² और 1/nx² बाद में, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई का। बोलो सबको आया समझ में, तरुण यस सर ठीक है, साक्षी आ गया बेटा रिप्लाई करो जल्दी, यस यस सर आ गया ठीक है। चलो तो बेटा ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या निकाल सकते हैं डेल्टा ई की वैल्यू, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बेटा कितनी एनर्जी उसके अंदर चेंज हुई, इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी, ऐसे भी बोल सकता हूँ डिफरेंस ऑफ एनर्जी शेल्स है ना, इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी रेडिएट करी या फिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऐसे बोल सकते हैं है कि नहीं। डेल्टा ई है क्या, दो शेल्स की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इनिशियल से बेटा फाइनल जिसमें गया तो फाइनल में से अगर हमने इनिशियल को माइनस कर दिया तो डेल्टा ई आ गया, एक्चुअल में बेटा ये क्या एनर्जी है, तफसील कितनी एनर्जी है बेटा,
ये वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने या तो एब्जॉर्ब करी होगी या फिर रेडिएट करी होगी या एमिट करी होगी। यस और नो बताओ जल्दी सभी बच्चे। यस सर। है ना। और किसके बराबर होनी चाहिए बेटा? एल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एच न्यू। एच न्यू के बराबर होगी क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है तो बेटा एच न्यू होती है, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। बोलो समझ गए? यस सर। अब बेटा मैंने ये चीज इसलिए बताई आपको कि हम बेटा फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाए तो अब हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से क्या कर दो तरुण? डिवाइड कर देंगे, सिंपल आ जाएगी वैल्यू। बोलो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? यस। क्वेश्चन में आपको डेल्टा ई, हाँ क्वेश्चन कैसे आएगा न्यूमेरिकल देखो, या तो बेटा वो पूछेगा डेल्टा ई की वैल्यू कि बताओ कि कितनी एनर्जी चेंज हुआ, तो डेल्टा ई निकाल दिया। फिर वो पूछ सकता है बेटा बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्योंकि आपको पता है जेई के अंदर बेटा एक कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन भी आते हैं पैसेज की फॉर्म में, तो उसमें हो सकता है तीन ऑप्शंस पूछ ले ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या फिर डायरेक्टली भी आते हैं नीट के अंदर भी आते हैं क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन फलाना शेल से मतलब के शेल से एम शेल के अंदर चला गया, तो बताओ कि उसके एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ। समझ रहे बेटा क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगा अभी प्रैक्टिस, एक बार पूरा न्यूमेरिकल सारी चीजें हो जाने दो उसके बाद फिर मैंने सेट बना रखा है। ठीक है बेटा, श्रुति आया समझ में? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में गया तो बताओ कि कितनी एनर्जी हुई या फ्रीक्वेंसी कितनी हुई रेडिएशन की, तो हम निकाल सकते हैं। पहले एनर्जी निकाल दोगे फिर फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको नोट्स में मैंने दे रखा है, देखो दिख रहा है सबको? डेल्टा ई अपॉन एच, देखो बेटा ये सॉल्व करके मैंने लिखा हुआ है 3.29, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि इसमें हमने डेल्टा ई की वैल्यू कितनी मानी है, 21.8 × 10⁻¹⁹, ये ध्यान रखना। एक तो ये हाइड्रोजन के लिए है बेटा, ठीक है, हर एक के लिए नहीं निकाल सकते, तो बेटर तरीका क्या होगा हम पहले डेल्टा ई की वैल्यू निकालें और फिर फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है? चलो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वो। अब बेटा फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, एक और चीज निकाल सकते हैं हम, क्वेश्चन में पूछी जाती है, पूछेगा वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछेगा या वेव नंबर, तो वेव नंबर बेटा कैसे निकालेंगे? तरुण एक फॉर्मूला हमारे पास था वेव नंबर का, वेव नंबर क्या होता है कैसे निकालते हैं? वेव नंबर पढ़ा था? वेव नंबर का बेटा फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है दिख रहा है लेफ्ट साइड पर सर, उस वी बार को क्या पढ़ेंगे? इसको बेटा बोलेंगे न्यू, न्यू डैश, न्यू फ्रीक्वेंसी है, हाँ न्यू डैश या न्यू बार बोल दो, ठीक है? तो न्यू बार बेटा ये वेव नंबर है, लेकिन वेव नंबर का मतलब क्या होता है डेफिनेशन याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम ये यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बेटा सी से डिवाइड कर दो, सी क्या होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, याद है सबको? भूल गए फॉर्मूला? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है? लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे ये भी समझ लो, छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। पहले वेव नंबर बेटा क्या होता है? वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है ना, 1/λ, यही था ना, यही डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स होते हैं। और बेटा अगर वेवलेंथ को देखें, लैम्डा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा हमारे पास फार्मूला होता है, ये मान के चलो कि आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी आपने इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर दी, वेव नंबर निकालना है आपको, तो वेव नंबर के लिए बेटा हम यूज कर रहे हैं लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ? c अपॉन म्यू है कि नहीं, c अपॉन म्यू हो गया, और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा c अपॉन म्यू का? न्यू अपॉन सी, है ना, न्यू अपॉन सी,
सी, तो बस ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो बेटा ये वैल्यू अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है इसमें, उसको अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दोगे 3 × 10⁸ से, तो आपके पास बेटा क्या फॉर्मूला आ जाएगा वेव नंबर निकालने का। अब इसके लिए नोट्स में मैंने देखो अलग से दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला अलग से भी दे रखा है मैंने बेटा, सॉल्व कर दिया मैंने इसको, सॉल्व करके दिया हुआ है कि आर एच की वैल्यू यहाँ पर लेकिन दूसरी आ रही है, देखो ये वाला आर एच नहीं है यहाँ पर बेटा, आर एच अगर देखें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, सॉरी वेव नंबर के टर्म्स में, तो 1.09677 × 10⁷ मीटर इनवर्स ये दिया हुआ है, दिख रहा है बेटा। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट, एक तो वो वाला रिडबर्ग कांस्टेंट था जो आपने बताया था सर एनर्जी के टर्म्स में, तो बेटा वो जो कांस्टेंट था वो एनर्जी के टर्म्स में था, 21.8 × 10⁻¹¹, समझ रहे सभी बच्चे। और ये वाला बेटा हाँ, और एक बेटा होगा वेव नंबर के टर्म्स में 1.09677, नोट्स के अंदर दिया हुआ, नोट्स में देखो सभी बच्चे। तरुण ठीक है, समझ में आया बेटा, नोट्स लेके बैठेंगे सभी बच्चों के पास है ना नोट्स, हाँ जिनके पास नोट्स होंगे उनको समझ में आ रहा होगा अभी, बाकी खोल लो बेटा जल्दी नोट्स खोल के देखो। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक का नाम है अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है बेटा, देख के बताओ सबको आ गया समझ में, तो एक बार हम फिर अचीवमेंट देख लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की अब, ठीक है। पूजा आ गया बेटा समझ में इतना, एक्चुअल में रिडबर्ग कांस्टेंट, हाँ रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा एक तो एनर्जी के टर्म्स में होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 21.8 × 10⁻¹⁹, ठीक है, जूल पर एटम। तो ध्यान रखना बस, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन में जैसे अगर कभी पूछेगा ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट बताओ, तो वो ये भी बोलेगा कि एनर्जी के टर्म्स में पूछ रहा है कि वेव नंबर के टर्म में पूछ रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछ रहा है, तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। वैसे ज्यादातर तो अपना 21.8 × 10⁻¹⁹ ही होता है, ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। तो हाँ, तो कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को, इसलिए मैंने बता दिया, नोट्स के अंदर भी दो जगह आर एस दिया हुआ है, आप लोग ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग वैल्यू कैसे है, एक वेवलेंथ के लिए, एक फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक वेव नंबर के टर्म्स में दिया हुआ है और एक एनर्जी के टर्म्स में। चलो तो अब बेटा अचीवमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला काम बोर ने क्या अच्छा करके दिखाया था, जो हमें नहीं पता थी, एटम की स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी बताई बेटा, किस तरीके से एक एटम स्टेबल होता है, स्टेटिक तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं बेटा, है ना, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद भी क्यों स्टेबल होते हैं, ये चीज बेटा उन्होंने समझाई, बताई तफसील कैसे, बताई कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, तफसील रिप्लाई तो करो, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है इलेक्ट्रॉन, हाँ बहुत शैतान है इलेक्ट्रॉन, बेटा क्या करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, हायर ऑर्बिट में चला जाता है, फिर वापस आ जाता है बेटा, अल्टीमेटली क्या करता है वापस आता है स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है तफसील। तो इसका मतलब क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होता है, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, वो वापस आ जाता है वापस, ठीक है, लोअर से हायर पर जाएगा, हायर से वापस आ जाएगा लोअर, समझ गए सभी बच्चे मेरी बात, इस तरीके से एटम स्टेबल होता है, इस तरीके से उनकी थ्योरी बताती है कि किस तरीके से एटम स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो जाते हैं। चलो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं, रेडिएट भी कर देते हैं। चलो सेकंड पॉइंट बेटा क्या होगा, फर्स्ट सबको क्लियर हुआ शुरू थी, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कैसे वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, बोलो सेकंड पॉइंट क्या था, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, गुड, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसको पूरा एक्सप्लेन किया वो ने। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, लाइन ये जो स्पेक्ट्रम सब आ रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का एक अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन बोर ने बेटा हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए पूरा स्पेक्ट्रम जो भी आता है, मतलब जो भी लाइंस होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको, अगला टॉपिक है हमारा,
इसको बेटा पूरी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, उन्होंने बताया कि इसमें जो लाइंस दिख रही हैं उनका क्या मतलब है, समझ गए सभी बच्चे। तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को बकायदा उसमें बताया कि कौन से रेडिएशन कब होगा, कौन सी फ्रिक्वेंसी का एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। थर्ड बेटा पॉइंट क्या है जो हम पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से बोर ने बताया कि बेटा हाइड्रोजन के एटम के लिए या हाइड्रोजन से मिलते जुलते एटम के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, e की पावर n, मतलब जिसको बोर्स फॉर्मूला बोलते हैं, है ना, उससे हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल के अंदर कितनी एनर्जी है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अंदर भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन से मिलते जुलते एटम्स के अंदर भी। हाँ बोलो बेटा साक्षी, आ गया समझ में, एनर्जी हमने निकाली। लेकिन बेटा एक चीज सुने सभी बच्चे अब ध्यान से, जो नोट्स के अंदर बेटा मैंने दिया हुआ है वहां पर एनर्जी के मामले में मैंने क्या लिखा है, कल ध्यान नहीं रहा मुझे, कल भी बता देता आपको, कि वहां पर बेटा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिखा हुआ है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए अगर पूछा जाए तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा तरुण। तो बेटा देखो उसमें आपको एक छोटी सी चीज ऐड कर दो, नोट्स के अंदर आप लोग ऐड कर लेना सभी बच्चे, ईएम का फॉर्मूला होता है -21.8 एन स्क्वायर नीचे 10^-19, ये होता है बेटा फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए, दिख रहा है सबको, बोलो राइट साइड पर लिखा मैंने, ये फॉर्मूला है बेटा, ये खाली हाइड्रोजन के लिए है, सुन रहे सभी बच्चे, किसके लिए है, ओनली फॉर हाइड्रोजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन जैसे, हाँ अगर हाइड्रोजन जैसे एटम हो तो बेटा इसमें एक चीज ऐड कर लो सभी बच्चे, यहाँ पर आप अपने नोटबुक्स में नोट्स में ऐड कर लेना, जेड स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो अगर कोई हाइड्रोजन का एटम है तो यही फॉर्मूला रहेगा, अगर हीलियम के लिए निकालना होता तो बेटा क्या कर देते हम, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू इसमें पुट कर देते, ठीक है, समझ गए तरुण। हाँ बेटा ये नोट्स के अंदर रह गया, एनर्जी वाले फॉर्मूले में रह गया था, बाकी सब में तो आपको मैंने जेड स्क्वायर करके बता रखा है ना, वेलोसिटी में भी और उसमें भी रेडियस में बता दिया था, इसके अंदर बेटा जेड स्क्वायर का यूज करेंगे। मतलब अगर हीलियम का निकालना है तो क्या करोगे, 2^2 कर दोगे, 4, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए सेम ही रहेगा, लिथियम के लिए निकालोगे तो 3^2 हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3, एटॉमिक नंबर है जेड, ठीक है बेटा। तो ये अपने नोट्स के अंदर ऐसे लिख देना कि हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, अलग से कॉलम बना के इस तरीके से लिख देना, जहां पर हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखा है ना वहीं पर ऐड कर देना, ठीक है बेटा। सबको आए, सभी बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात, तब से सर से ईवी भी एटम पे भी ऐड कर दे, क्या कह रहे हो तरुण, हां सर ईवी एटम जो यूनिट चेंज की उसमें भी कर दे। अच्छा हां उसमें भी कर लेना, नहीं उसमें नहीं, सुनो उसमें नहीं करते हैं, उसमें नहीं बेटा, उसमें नहीं करेंगे, हालांकि बात तो वही है, वो भी वही है, लेकिन इतना पूछता नहीं है, इसी के टर्म्स में पूछता है, ठीक है, जूल्स में ही पूछता है एनर्जी, उसके लिए भी अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो वहां कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जेड स्क्वायर का मतलब सिर्फ ये हो गया बेटा कि जैसे हाइड्रोजन है ना, हाँ तो हाइड्रोजन का तो उन्होंने ये बता दिया, अगर मान लो बाकी एलिमेंट्स का अगर निकालना हो तो अपने लोग जेड स्क्वायर का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा तो कर लेना, ई वाले में भी कर लेना, लेकिन अभी मत करो, अभी सिर्फ आप क्या करना, ये फॉर्मूला लिख लेना अपनी नोटबुक में, जहां पर आपने EN इजिकल टू -21.8 लिखा है ना, वहीं पर उसके आगे ये लिख देना, और आगे क्या लिख दोगे, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, क्या लिखना है बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, कर लोगे ऐड अलग से, क्या लिख देता हूं, यस EN फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना, हो सकता है नोट्स में लिखते हुए ध्यान नहीं रहा, ठीक है। चलो तो अब बेटा बात करते हैं आगे, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, बोलो सर, हाइड्रोजन लाइक एटम्स 20 तक है क्या,
बेटा क्या हाइड्रोजन एटम? सर हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से है? हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से हैं? देखो एक्चुअल में बेटा क्या था, मैं आपको समझाता हूँ सारी बात, अभी लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि बोर ने जो हमें जो ये बोर ने जो एनर्जियां दी है ना बेटा, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिए, या फिर हाइड्रोजन लाइक का मतलब है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन वालों पर नहीं अप्लाई होता है, समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, हीलियम के अंदर कितने हो गए? टू हो गए, लेकिन मतलब यहां पर एक्चुअल में ये बेटा है कि उन्होंने हाइड्रोजन के लिए स्पेशली दिया था, लेकिन उनका ये फॉर्मूला बेटा ये छोटे छोटे एटम्स पर अप्लाई हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, दो तीन स्टार्टिंग के जो तीन चार एलिमेंट्स हैं उन पर अप्लाई होता है, समझ गए? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, मतलब एक या दो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है तो यहां तक बेटा ये अप्लाई हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए दिया था उन्होंने, दिया तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है तरुण? सिर्फ बेटा हाइड्रोजन के लिए बोला था उन्होंने, उन्होंने हीलियम और बाकियों के लिए बताया नहीं था, लेकिन ये कहा था कि इनके अंदर निकाल सकते हो इसी तरीके से, समझ गए मेरी बात? जैसे हाइड्रोजन में एनर्जी निकाल सकते हैं शेल के अंदर, वैसे ही उन्होंने कहा कि बाकियों के अंदर भी निकाल लो, ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो हाँ, तो जनरली अगर कोई न्यूमेरिकल पूछता है ना, तो जनरली वो बेटा दो तीन स्टार्टिंग के एलिमेंट्स का ही पूछेगा, हाइड्रोजन का पूछेगा, मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन का पूछता है, या अगर बहुत उतावला हो गया तो फिर क्या करेगा, पूछेगा कि लिथियम के लिए बता दो या हीलियम के लिए बता दो, इससे आगे वो बढ़ेगा नहीं कभी, ठीक है? क्योंकि बोर्स एटम की लिमिटेशन पर जाएंगे बेटा, वो आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अगर आप बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन देखेंगे तो बेटा लिमिटेशन यही थी सबसे बड़ी कि वो सिर्फ हाइड्रोजन का ही बता रहे थे, ठीक है तरुण? सिर्फ बेटा हाइड्रोजन को उन्होंने स्टडी करा, बाकियों की प्रॉपर्टियों को स्टडी नहीं कर पाए, बाकी के स्पेक्ट्रम का लिखा ही नहीं मैंने, देखो अचीवमेंट में क्या लिखा है ना, समझ गए मेरी बात? यस। स्पेक्ट्रम तो सबका होता होगा ना, बार बार बोल रहा हूँ, सोडियम का भी हमने देखा, पोटेशियम का भी होता है, लेकिन वो सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर पाए प्रॉपरली, उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा? हाँ, ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेके चलो। और हाइड्रोजन लाइक अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बोल रहा हूँ कि जनरली जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, एक या दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, वैसे इसमें तो यही लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर ही है, ठीक है, फिर भी हम मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तक अप्लाई। सर आप म्यूट हो गए। अब रिडक्स फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो अभी आपको दिखाई दिया मैंने, रिडक्स फॉर्मूला यही होता है, रिडक्स फॉर्मूला कोई अलग से नहीं है, ठीक है, यही है रिडक्स फॉर्मूला एनर्जी के लिए, ER इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। और अगर बेटा रिडक्स फॉर्म की ये वाली फॉर्म भी हो सकती है, देखो जो हमने NF माइनस करा था ना, NI स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर, अगर हम चेंज इन एनर्जी निकालना चाहें तो ये भी रिडक्स फॉर्मूला है, ये भी रिडक्स है, ये भी रिडक्स है, जहां पर RH लिख रहा है, जहां जहां RH लिख रहा है सब रिडवर्क है, ठीक है तरुण? बोर्स एनर्जी फॉर्मूले के अंदर ही बेटा जहां पर रिडवर्क फॉर्म में लिख दिया, अगर रिडवर्क कांस्टेंट लिया है वहां पर, तो फिर वो रिडवर्क फॉर्मूला बोलेंगे उसको, ठीक है? इसलिए किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर रिडवर्क फॉर्मूला कौन सा होता है और बोर्स फॉर्मूला कौन सा होता है। सबको क्लियर हुआ बेटा, बताओ मुझे? yes. सेम है सारे, सेम है, बस अगर हाँ अगर वहां पर RH की फॉर्म में लिख दिया और बोल दिया है भाई ये रिडक्स कांस्टेंट है, तो हम बोल देंगे उसको रिडक्स फॉर्मूला, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो तो रिडक्स फॉर्मूला बेटा हमने निकाल के देखा यहाँ पर, है ना, एनर्जी के लिए निकाल के देखा, देखो एनर्जी के लिए ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताया आपको, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नोट्स में दिया हुआ है मैंने, ठीक है, और वेव नंबर के टर्म्स में भी, तो ये सब रिडक्स कांस्टेंट रिडक्स फॉर्मूले हैं ये सारे, ठीक है। इससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, और वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, आगे समझो को समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ ये सारे बेटा क्या थे, अचीवमेंट्स थे बोर्स एटॉमिक मॉडल की, क्या क्या खूबियां थी, क्या 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 प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है,
ठीक है, अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एटम के बारे में जो जो बताया, ठीक है। समअप करने की जरूरत है, बता दिया आपको, हर सेल की हर इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो एक डेफिनेट शेल के अंदर मूव करता है, एनर्जी हर शेल की डेफिनेट होती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बताते हैं, ठीक है, हर शेल की एनर्जी बता रहे हैं। उसके बाद रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन स्पेक्ट्रम वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, चार पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब बेटा देखो, अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आपको मैं बता रहा था बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो सभी बच्चों ने नोट्स खोल रखे हैं क्या? नोट्स अगर सबके ओपन है तो बेटा पेज नंबर 13 के ऊपर, हाँ, एक बार सभी बच्चे बेटा निकाल के रखो, ये डायग्राम आपको समझना है, ये बताऊंगा। डिफरेंट सीरीज ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, जो हमने पढ़ा था ना लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं हर एक एलिमेंट के, तो हाइड्रोजन का स्टडी करेंगे जो बोर ने बताया। क्या क्या चीजें इसके अंदर बेटा देखेंगे, सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें पेज नंबर 13 के ऊपर लास्ट में नीचे, कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा कैसा होता है। इसके अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस है बेटा, और इनको हमने क्या किया है बेटा देखो, क्लासीफाई कर दिया है, पांच सीरीज के अंदर डिवाइड किया है। सबको दिख रहा है बेटा, देयर आर फाइव डिफरेंट सीरीज अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। समझ गए सभी बच्चे? पांच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, उनके हिसाब से उनके नाम रखे हुए हैं। तो साक्षी कौन कौन से बेटा हैं? फर्स्ट लाइमन, लाइमन, बाल्मर, पाश्चेन, ब्रैकेट और फंड, और फंड पी साइलेंट है, हाँ पी साइलेंट है बेटा, फंड है, ठीक है, फंड सीरीज। अब ये देखो, ये जो पांच सीरीज है, अब नेक्स्ट पेज कर लो सभी बच्चे, नेक्स्ट पेज ओपन करो नोट्स के अंदर, ठीक है, कर लिया सबने? अब इसको बेटा समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ये है क्या, ये बेटा मैंने आपको बताया कि जैसे जब हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे बेटा, तो हमने वहां क्या पढ़ा था, लाइन स्पेक्ट्रम कब आता है, जब कोई बोलो एक तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम है ये, है ना। एमिशन का मतलब, एमिशन का मतलब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन बेटा जो है जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा हो, तभी मिलेगा ना अपने को लाइन स्पेक्ट्रम। सोच के बताओ, लाइन स्पेक्ट्रम अपने को कब मिलेगा, जब एमिशन हो रहा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को रेडिएट करें, और अभी ये आप पढ़ चुके हो रेडिएशन वाला, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपने अंदर से कब देगा, जब एक हायर एनर्जी स्टेट से बेटा लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, यस और नो, ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो, अब पहली सीरीज ध्यान से देखो बेटा, लेमन सीरीज, एन की वैल्यू क्या दिखा रही है यहां पर, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये बेटा शेल्स हैं आपके, सबसे नीचे वाला शेल के शेल है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है के शेल। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा लेमन सीरीज के अंदर हमें कैसी लाइन नजर आ रही है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन देखो कैसे मूव कर रहा है, ये आपको कितनी लाइन दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाइंस है ना, 7 लाइंस का मतलब समझना, एक इलेक्ट्रॉन बेटा या तो आठवें शेल से उठकर डायरेक्ट पहले में आ जाए, ठीक है। फिर दूसरी लाइन बेटा क्या दिखा रही है, कि इलेक्ट्रॉन बेटा सेवंथ शेल से उठकर पहले शेल में आ गया, के शेल में आ गया। फिर अगला दिख रहा है आपको 6 से लेकर 1, फिर 5 से 1, फिर 4 से 1, फिर 3 से, फिर 2 से। ये सारी लाइनें जो दिखा रही हैं, एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, कि इलेक्ट्रॉन बेटा जो है एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की तरफ आ रहा है। तो अगर सारी की सारी लाइनें बेटा अगर के शेल पर आके रुक जाए, मतलब जो बिल्कुल पहला वाला शेल है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन अपने पहले शेल पर आ जाए, वापिस अपने उसी शेल में, अपने पुराने घर में वापिस आ जाए, है ना, तो उस पुराने घर को क्या बोलेंगे, घर वापसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज बोलेंगे। समझ में आया साक्षी बेटा, सिंपल है ये लेमन सीरीज का मतलब, एक एक करके सबका मतलब समझाऊंगा आपको, ठीक है। पूजा आया समझ में बेटा, कि लेमन सीरीज का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये सारी लाइन, हाँ ये सब लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स बेटा जो है, आपको बताया था एक फाइनल ऑर्बिट होगा, एक इनिशियल ऑर्बिट होगा,
तो इनिशियली तो बेटा कौन से ऑर्बिट में है, एनआई की वैल्यू बेटा अगर आप देखें नीचे देखो नोट्स में लिखा हुआ है लेमन सीरीज के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनिशियल ऑर्बिट ये है, लेकिन सभी सभी कॉमन है, वापस सभी एक ही घर पर आ रहे हैं, ठीक है। क्या था इनका ओरिजिनल ऑर्बिट, एनर्जी को रेडिएट करके आ गए ना वापस, कहां पर आ गए बेटा, के शेल में आ गए, के शेल में आ गए। सबको समझ में आई मेरी बात। और बेटा जब ये वापस आएंगे परीक्षित, जब ये वापस आएंगे एनर्जी को रेडिएट करते हुए आएंगे हायर से लोअर में, यस सर, तो उस वक्त ये किस तरह का रेडिएशन दिखाएंगे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बेटा कौन से रीजन में आ रही है। देखो लिखा हुआ है नीचे ब्रैकेट में अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, हाँ। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन बेटा एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आता है तो कुछ रेडिएशन करता है, जो रेडिएशन बेटा करेगा अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे ना मेजर करके, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को मेजर करेंगे कि कौन सी रेंज में आ रही है। तो बेटा ये लेमन ने किया था ये काम, तो उन्होंने क्या बोला इनको, लेमन सीरीज बोला, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन पे बेटा बिलोंग करती है। जितनी ये सेवन लाइंस आपको नजर आ रही है ये बेटा कौन से रीजन को बिलोंग करेंगी, मतलब इनकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेंज के बराबर आ रही है। समझ गए सभी बच्चे, तरुण आगे बेटा चलो। इसी तरीके से बेटा दूसरी सीरीज को समझते हैं, ये मतलब एक्चुअल में है क्या आप समझ रहे हैं, जैसे कोई हाइड्रोजन का एटम है बेटा, ठीक है, कोई हाइड्रोजन के एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है। स्पेक्ट्रम में हम यही तो स्टडी करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा लाइन स्पेक्ट्रम का ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो हायर ऑर्बिट से बेटा लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है। तो उनको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, और ये पांच जो हमने नाम रखे हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं, एक तो किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया पहली चीज, दूसरा बेटा किस शेल में आ रहे हो, ठीक है, ठीक है बेटा साक्षी समझ रहे हैं मेरी बात। अगर वो पहले शेल में आ रहे हैं वापस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए तो हमने उसको लेमन बोल दिया, ये सारे लेमन है, लेमन सीरीज का पार्ट है, ठीक है बेटा। अगर दूसरे में आ रहे हैं देखो बाल्मर सीरीज देखो, इसका फाइनल ऑर्बिट क्या है, फाइनल कौन सा शेल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एन इजिकल टू टू में आ रहे हैं सारे, एरो जो दिखा रहा है वो बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है। तब से लाई मेरी बात समझ में, यस सर। इलेक्ट्रॉन बेटा जो है देखो, अब इलेक्ट्रॉन किस शेल में आ रहा है ये तो हम नहीं डिसाइड करते, ये बेटा कैसे डिसाइड होता है सुनना, जब इलेक्ट्रॉन एक हायर से लोअर में आएगा तो बेटा जितना वो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब, सुनो जितना वो रेडिएशन कर रहा है एनर्जी को, है ना, जितनी उसके पास एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि नहीं। अगर उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो बेटा वो कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल अंदर वाले ऑर्बिट में, सारी एनर्जी को रेडिएट कर दे, ऐसे समझ के चलो। किसी के पास 1000 एनर्जी है, मान लो 1000 जूल है ना, तो अगर बेटा वो 1000 की 1000 को रेडिएट कर दे, बिल्कुल स्टेबल होना चाहता है, तो कहां चला जाएगा, के शेल में आ जाएगा, तो यानी कि लेमन सीरीज बोलेंगे उसको। वहां पर बेटा कैसे पता चलेगा अपने को लेमन सीरीज में आया, जो रेडिएशन हुआ उसका अगर हमने वेवलेंथ मेजर किया तो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आ रहा है, तो इससे अपने को पता चल गया भाई ये लेमन सीरीज है, सेवन लाइंस नजर आती है इसमें। अगला बेटा देखो बाल्मर सीरीज, बाल्मर के अंदर कितनी लाइंस है, 6 लाइंस नजर आ रही है। ये 6 लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से आ रहा है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा समझ में आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इनिशियल ऑर्बिट क्या होगा उसका, इनिशियल शेल, सेकंड नहीं होगा, सेकंड को छोड़कर ऊपर वाला ही तो होगा, कोई ना कोई हायर होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहा है सबको, बोलो तरुण, ठीक है बेटा, हाँ आ गया प्रतीक्षा, आ गया, चलो कोई मुश्किल चीज नहीं, बस एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा एनर्जी को रेडिएट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो लेमन के अंदर 7 लाइनें हैं, मतलब कि वो 7 शेल से आ सकता है कि नहीं, नीचे वाले में नहीं आ सकता, लास्ट वाले में आ रहा है ना, तो वो तो फाइनल ऑर्बिट हो गया,
ठीक है, तो NF की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, NF की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी और NI की वैल्यू जो होगी इनिशियल ऑर्बिट वो क्या होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से होना चाहिए। देखो नीचे लिखा हुआ है ना, मैंने यही लिखा हुआ है सिमिलरली फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर के लिए क्या होगा फिर, N इनिशियल बेटा क्या हो जाएगा, इनिशियल इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में हो सकता है तरुण, इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है। अब बेस आपका ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया, हाँ 8 से शुरू करो, थर्ड से लेकर 8 तक होगा। अब ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ बेटा, ये थर्ड तक क्यों है, सुनो थर्ड तक इसलिए है क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में तो आ ही जाएगा, वो लोअर एनर्जी में आ रहा है ना, हायर से लोअर में आ रहा है, तो अपने को नीचे वाले तो रखने ही नहीं है, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता हुआ आ रहा है तो 8वें से आएगा, 7वें से आएगा, 6ठे से आएगा, 5वें से आएगा, 4थे से, 3रे से आएगा, लेकिन सेकंड से अगर आएगा तो फिर तो इस सीरीज में होगा ही नहीं, वो फिर तो बेटा लेमन सीरीज में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, बोलो। यस सर। है ना, बस सिंपल सी है, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, बस अंडरस्टैंड करो इसको, ठीक है। आज ये डायग्राम आप लोग पहले देखकर ड्रॉ करना, ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइंस को, और फिर अपने आप कोशिश करना ड्रॉ करने की और समझने की भी, समझा रहा हूँ आपको। चलो पास्ट टेंस सीरीज में बताओ मयूरी, इसका क्या मतलब है बेटा, पास्ट टेंस सीरीज का मतलब क्या है। अच्छा, बाल्मर के अंदर बेटा जो रेंज दे रखी है वो विजिबल रेंज है, मतलब जो बेटा आपको लाइंस है वो नजर आएंगी। हाइड्रोजन के अंदर जो लाइंस बेटा अपने को विजिबल, यानी हम खुद अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो बाल्मर सीरीज होती है, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है हाइड्रोजन के केस में। यानी एक्चुअल में तरुण ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, अपने को क्या है ना, ये 7 लाइंस नजर आएंगी जो बाल्मर सीरीज है ना, ये हमें नॉर्मली देख सकते हो आप एक स्पेक्ट्रम के अंदर जो विजिबल रेंज के अंदर है। अल्ट्रावायलेट को थोड़ी देख सकते हैं, ना अल्ट्रावायलेट को देख सकते हैं, ना इंफ्रारेड को देख सकते हैं, हमारी रेंज तो सिर्फ हमें बाल्मर सीरीज दिखाएगी। समझ गए सभी बच्चे, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि विजुअल रेंज में कौन सी होती है, तो बाल्मर सीरीज की बेटा लाइंस हमें नजर आएंगी। जो स्पेक्ट्रम आप देखोगे ना हाइड्रोजन का, उसमें आपको 6 लाइनें नजर आएंगी, और वो कौन सी सीरीज को बेटा बिलोंग करेंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बाल्मर सीरीज है वो, ठीक है, क्योंकि विजुअल रेंज है वो। yes. ठीक है, चलो yes. परीक्षा आ गया बेटा समझ में, नेकेड आई से देख सकते हैं, हाँ नेकेड आई से देख सकते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, नेकेड आई से देख सकते हैं, बाकियों को तो फिर हम वैसे स्टडी करेंगे, मतलब उनकी वेवलेंथ वगैरह अपने को दिखाई देगी, मतलब हम मेजर करेंगे, देखे दिखेगी नहीं, मेजर करेंगे, लेकिन ये अपनी बेटा नेक्ड आई से देख सकते हो विजिबल रेंज में, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा पास्टेन सीरीज देखो, पास्टेन सीरीज क्या है, पास्टेन ब्रैकेट ऑफ फंड तीनों इंफ्रारेड को बिलोंग करती है बेटा, तीनों इनकी जो वेवलेंथ आएंगी ना, ये वेवलेंथ कौन सी होगी बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, समझ रहे सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी लूज करी है ना, इलेक्ट्रॉन ने जो बेटा एनर्जी लूज करी है वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी की तो होगी, एच न्यू, तो किस फ्रीक्वेंसी की है वो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई वो पास्ट टेंस सीरीज है, ब्रैकेट है या फंड है। तीनों के अंदर इंफ्रारेड होती है, ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बात। यस सर। अब पास्ट टेंस देखो, इसी तरीके से पास्ट टेंस की स्टार्टिंग देखो, इनिशियल ऑर्बिट बेटा क्या होगा, n इक्वल टू 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लास्ट कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि फाइनल ऑर्बिट कितना हो गया इसका, फाइनल शेल NF की वैल्यू 3 है ना, 3 हो गई, ठीक है बेटा, बोलो बोलो, समझ में आया सबको, ऐसे पास चेक हो गया, इसी तरीके से है, फंड भी है, हाँ बोलो साक्षी, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और, ये जो इतनी सारी लाइन देखकर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखो अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करता हूँ। पहले बेटा ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा साक्षी, उसके अकॉर्डिंग बेटा अपने को स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उसके अंदर हमने 5 सीरीज डिवाइड कर दी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो बेटा फर्स्ट शेल में आएगा, अगर मान लो वो सारी की सारी एनर्जी को रेडिएट कर देता है तो किस शेल के अंदर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज, ठीक है, क्लियर सबको, सभी बच्चे समझ रहे मेरी बात।
दूसरा बेटा केस क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का ये, नहीं नहीं मैं सारी एनर्जी रेडिएट नहीं करूंगा, मैं के शेल के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं किस शेल के अंदर जाऊंगा, एन इजिकल टू टू के अंदर जाऊंगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन की मर्जी है ना, जितनी रेडिएट करना चाहे। क्यों तपशील, जिसको ज्यादा स्टेबल होना है वो के शेल में आ जाएगा। हाँ ऐसे समझ लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको स्टेबल होना है। अरे दानिश क्या पूछ रहा है भाई, किसने हैंड रेज किया है यहाँ पर? हाँ बोलो बेटा, रिप्लाई कर दो ना, हैंड रेज करने से क्या होगा, रिप्लाई मैसेज कर दो बेटा, या तो माइक ऑन करके पूछ लो, मैसेज डालो बेटा क्या है। अच्छा पूजा ने नोट्स भेज दिए थे इस पे, ठीक है बेटा मैंने देख लिए, ठीक है गुड। और हाँ ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई सबको। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और ये सब कुछ बेटा इतना जल्दी होता है। हाँ दानिश, ये सब कुछ बेटा इतना जल्दी होगा, इतना जल्दी होगा, जैसे ऐसे समझ के चलो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत जल्दी एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा होता रहता है, समझे मेरी बात, बहुत जल्दी होता है बेटा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो लाइफ टाइम है किसी शेल के अंदर, किसी लाइफ टाइम बेटा जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, वेरी लेस टाइम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहे हैं, मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं, लोअर से हाइयर में चले जाएंगे, फिर वापस हाइयर से लोअर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है मयूरी बेटा, बहुत जल्दी जल्दी होगा ये, एक्चुअल में ये बहुत जल्दी होता है, सिंस द लाइफ टाइम होता है इलेक्ट्रॉन इन दीज एक्साइटेड स्टेट्स इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इनका लाइफ टाइम मैंने बताया बहुत कम होता है, तो बेटा वो बहुत जल्दी लोअर एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। मैसेज में डालो बेटा अगर कुछ पूछना है तो, दानिश ऐसे समझ में नहीं आएगा, हैंड रेज कर रहे हो क्या, कह रहे हो? चलो ठीक है बेटा, सबको समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से हमने देखा बेटा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ठीक है, बोलो समझ में आया, कुछ डाउट है किसी को? ईशांत, हाँ मयूरी बोलो, पूछ सकते हो। ईशांत बेटा आया समझ में? सर किसका चार्ज ज्यादा होता है, प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन? किसका चार्ज ज्यादा होता है? अरे वाह बहुत बढ़िया, आप भूल गए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बेटा इक्वल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल चार्ज होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ जितना इलेक्ट्रॉन, बस बेटा मैग्नीट्यूड अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, कम ज्यादा की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यस सर, वही पूछ रहा था सर दानिश। अच्छा ये पूछ रहा था, अरे दानिश तो बहुत, अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने लग गया, अभी आसान आसान से क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा लेकिन बेटा एक चीज देखो, अगर आपसे प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए तब तो 1.6 है बेटा, लेकिन अगर आपसे Hg2 पॉजिटिव के ऊपर पूछा जाए, हीलियम 2 डबली चार्ज जो है, तो फिर कितना हो जाएगा चार्ज साक्षी, तब बेटा कितना हो जाएगा अपना उसके ऊपर चार्ज? प्रोटोन के ऊपर पूछोगे तो 1.6 है, और अगर आप पूछोगे Hg2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं, तो बेटा उन पर कितना हो जाएगा, 1.6×10⁻¹⁹ × 2, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए पॉजिटिव चार्ज, 2 हो गए ना उसके अंदर, तो इसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, समझ गए? हाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था उसी तरीके से होता है। चलो तो प्रोटोन के ऊपर तो सिंपल ही है, चलो अच्छी बात है, दानिश ने इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछने शुरू करे, अच्छी बात है, ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी पूछा करो क्वेश्चन जो आपको आए, नहीं आते वो पूछो, मेरे को भी अच्छा लगता है क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत और, ठीक है तरुण। तो बेटा हाँ, तो हमने डिफरेंट एनर्जी के शेल्स समझे हाइड्रोजन के, इससे बेटा अपने को क्या समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा कि 5 डिफरेंट रेडिएशन रेंज दिख रही है हमें, है कि नहीं,
किससे बेटा ये पता चला? हाँ, कि हाइड्रोजन के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, 5 सीरीज है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उनका नाम भी रखा है और ये हमें रेंज भी बताती है किस रेंज में रेडिएशन होंगे। अब बेटा देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। आज का टाइम क्लास का हो गया है तो कल बेटा इसको करेंगे हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। और डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अभी बेटा क्या हुआ, बोर का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो जाएगा, आप देखोगे कई सारी उसमें कमियां थी, ठीक है श्रुति, बहुत सारी कमियां निकलेंगी, हर एक के अंदर कमी निकलती है, मेरे अंदर भी है ना, हर एक के अंदर है। कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कुछ ना कुछ बेटा कमी तो वो छोड़ ही देता है, नहीं तो फिर आगे वाले साइंटिस्ट क्या डिस्कवर करेंगे, है कि नहीं श्रुति? अगर हाँ, अब जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर के आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, कि शुरुआत में मान लो किसी ने 10 एलिमेंट बताए, वो थे ना साइंटिस्ट के बारे में, तो वो चैप्टर 3 है अपना, अगर नेक्स्ट चैप्टर है तो बेटा आज हम अगर जानते हैं कि 130 एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं था कि किसी एक ने ही बता दिया सारे एलिमेंट्स के बारे में, है ना, नहीं तो फिर बाकी वालों को भी तो कुछ काम करना है। लगातार बेटा इनोवेशन होती रहती है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल की भी बहुत सारी कमियां थी, उनमें से एक कमी तो आप समझ ही रहे होंगे कि उन्होंने सिर्फ बेटा हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टियों को ज्यादा बताया, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने बेटा एक्सप्लेन किया, ठीक है श्रुति, सिर्फ हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बताया, बाकी एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला कैसा होगा कैसा नहीं, समझ गए मेरी बात, सिर्फ हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया, बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, वो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। बाकी हम पढ़ेंगे कल का बेटा। आज का होमवर्क मैं आपको ये देता हूँ, एक तो जो आपको क्वेश्चंस डाल रखे हैं वो किसी ने सबमिट नहीं करे हैं, न्यूमेरिकल्स बेटा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हाँ वो न्यूमेरिकल्स कर लो और अच्छा कर लिए तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और बेटा यहाँ तक पढ़ के आएंगे सभी बच्चे, लिमिटेशंस 5 लिमिटेशंस है, इनको पढ़ना, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, बाय एंड टेक केयर।